नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिए 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहता है। यही वजह है कि बुधवार को वैक्सीन आने के बाद एयरपोर्ट से ही इसे पुलिस की निगरानी में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 16 जनवरी को होने वाले टीकाकरण के लिए वैक्सीन पुलिसकर्मियों की निगरानी में कोल्ड चेन प्वाइंट पर पहुंचेगी। इसके लिए रूट प्लान तैयार कर लिया गया है। वही सीएमओ कार्यालय के प्रेरणा श्री सभागार में बृहस्पतिवार को स्वयं सेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च C4 के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कोविड टीकाकरण एवं कोरोना अनुकूल व्यवहार विषयक स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण कार्यशाला के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोविड टीकाकरण की 16 जनवरी से शुरुआत होने जा रही है, जो कि यह इशारा करती है कि अब हम समस्या से निकलकर समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कोविड समुचित सतर्कता का व्यवहार जारी रखना होगा। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों को 16 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण के संबंध में जिले में की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और टीके से संबंधित पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे ने कहा कि 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे टीकाकरण की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कर ली है और 2 बार पूर्वाभ्यास ड्राई रन कर हर कमी को दूर किया जा चुका है। पहले चरण में जिले के 27,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होना है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के दूसरे डोज के लगभग 15 दिन बाद कोरोना से लड़ने के प्रतिरोधक क्षमता बन जाएगी, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, यानी अभी मास्क लगाना और एक दूसरे से 2 गज की दूरी का पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा। साबुन पानी से अच्छी तरह से हाथ धुलने से जहां कोरोना से बचाव होगा, वहीं अन्य संक्रामक बीमारियों से भी बचे रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जरूरी सावधानी बरतने के बारे में जागरूक करने में मीडिया की अहम भूमिका रही। बीमारी से बचाव और नियंत्रण दोनों में सहयोग मिला। उनके सकारात्मक भूमिका निभाने का ही नतीजा रहा कि हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने की ओर अग्रसर हैं। कार्यशाला में WHO, यूनिसेफ और UNDP के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया और तकनीकी सहयोग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, ला पीछे डरता है क्या यार? आराम से बिजोले भाई साहब, बिजोले भैया, एक मिनट सर, आप इधर आ जाइए। हाँ, आपका एक जो बजाएगा इस उस तरफ चलिए, उस तरफ। हाँ, इधर देखो, इधर चलिए, रखिए आप थोड़ा। अरे यार, चलो उठाओ, 1200 है। हाँ हो गया ना, चल आइए सर। हाँ हाँ सर, ठीक है, आ रहे आ रहे। एक मिनट, कितना और रहेगा बेटा? दो और रहेगा, और इसके बाद एक और आगे रख देना। लाइए
इधर इधर भैया इधर 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 बस यही रहने दीजिए। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, रहने दे, इसको ऊपर चढ़ाना, रहने दे, रहने दे, सीधा सीधा ही रहने देना। सही है, बाकी सब सही है। जल्दी कर, जल्दी फटाफट नीचे, स्मूथ हैंडलिंग हुआ। एडवाइजरी 48 ऑप्शन उसी में रख दीजिएगा। कार्टून वो उसी तरफ दीजिएगा ना, गड़िया में दे दो, रखो दे दो। क्या जिस हालत में है वो उसी हालत में है, अभी खुल गया है, जिसका लूज पैक दे दो उसमें और एक नया कार्टून दे दो, यानी 12,000 के बाद 370 दीजिए ये इसमें से। हाँ जी, तीन सौ वाले 50 का है ना ये किसमें दें सर, बताइए।
ओपन वाले, इसमें से कितने निकालना पड़ेगा? इसमें 30 वाले की जोड़ा नहीं, एक करो जरा, एक वाले निकाल दें, निकाल देखे भैया उधर निकाल। इसको आप रखिए। हाँ क्या वो कितना भाई खुली नहीं भाई कितना कौन आई सब पड़ी है कुछ हो जाएगी ना जब बच्ची तो होंगी कुछ हो में डाल दिया जान जाते होंगे बहुत हो गया क्या करिए हाँ तो कर देता है क्यों पूरा डब्बा खोल दो ना हमारे पास 16 आया है डीप फ्रीजर 27 है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर सुधाकर पांडे जी आपको आमंत्रित करते हैं कि आप मीडिया को संबोधित करें और इसके बाद हमारे मीडिया के साथियों के जो भी सवाल जवाब होंगे जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी महोदय आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। तो रोज मिल रहे हैं हम दोनों लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य को ध्यान दे रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। आप लोग हमारे अच्छी चीज़ों को जनता को पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। तो क्योंकि ये वैक्सीनेशन इतने बृहद स्केल का वैक्सीनेशन होने जा रहा है, इतने करोड़ की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो रही है और इस महामारी से बचने के लिए हमें वैक्सीन मिल गई है। ये वैज्ञानिकों को इसके लिए मैं वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इससे इस कोरोना की लड़ाई में हम लोग 100% सफलता प्राप्त करेंगे। ये वैक्सीन बिल्कुल ही 100% सुरक्षित है। थोड़ी बहुत जो एडवर्स इफेक्ट हैं हल्के फुल्के जो हैं, जैसे कि दवाइयाँ होती हैं, कोई भी आप दवा लेते हैं, पैरासीटामॉल लेते हैं तो हल्की फुल्की हो जाता है। इससे अलावा इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही सुरक्षित वैक्सीन है। पहले तो हम लोग स्वास्थ्यकर्मी को ही लग रहे हैं क्योंकि हम इसके लिए बहुत एक्सपोज हैं। डॉक्टर्स डरते थे कि कैसे इलाज किया जाए, धीरे धीरे डर खत्म हो गया, इलाज करना शुरू कर दिए। उनमें बहुत सारे हमारे स्वास्थ्यकर्मी बहुत इन्फेक्टेड हो गए, कुछ की तो जाने भी चली गई। तो अब वैक्सीन पहले हम लोगों को लग जाएगी, स्वास्थ्यकर्मियों को लग जाएगी, जिससे हम निडर होकर के कोरोना के मरीजों को अच्छी तरह से सुविधा दे सकें। तो पहले फेज में तो स्वास्थ्यकर्मियों को लगना है और पूरी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन आ गई है और 16 से संभवतः हम लोग वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे जो भी भ्रांतियाँ हैं सब खत्म होती जाएंगी। मेरी तरफ से आप लोगों को आश्वस्त में करना चाहता हूँ कि आप लोग पब्लिक को भी इस तरह से बताएं कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, किसी भी बहकाव में किसी भी बातें में बिल्कुल ना आए। हम खुद तैयार हैं कि पहला डोज हम ही हमको अगर मौका मिला तो हमें ही लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार और इस प्रेस वार्ता में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। ये अपेक्षा की गई है कि कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में हम आपसे शेयर करें ताकि वही खबरें आवे जो कि वास्तव में हो रही और तैयारियों की चर्चा, क्योंकि तैयारियां हम कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से हमें बता सकते हैं। तो एक मौका है कि आपके साथ हम लोग बैठे। कोविड में अब तक जो तैयारियां हुई हैं, हमारे यहाँ 84 बूथ हैं, 51 साइट्स हैं, यानी कि 51 अस्पतालों में 84 बूथ लगाकर
हम लगभग 27,000 लोगों का प्रथम फेज में टीकाकरण करेंगे। इसके 28 दिन के बाद हम उन लोगों को उनकी दूसरी खुराक देंगे, क्योंकि जो टीका आया है कोविशील्ड, हमें 28,130 डोज प्राप्त हो चुके हैं और शासन के निर्देशानुसार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के अंतर्गत उनका स्टोर किया गया है। सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद हैं। इसके बाद बात आती है 16 तारीख की। 16 तारीख को हम लोग इस वैक्सीन का लॉन्च करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लॉन्च करेंगे संभवतः दिल्ली से। हमें ये निर्देश था कि 20 जगह इसकी व्यवस्था करें लॉन्च सेशन की, लेकिन आज सुबह एक मैसेज आया है कि नहीं, ये 20 जगह न करके 6 जगह करने हैं और उन 6 जगहों के नाम हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय सहजनवा पिपराई और कैंपियर। इन 6 जगह की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ वैक्सीन कल तक भेज दी जाएगी, लॉजिस्टिक भेज दी जाएगी और ये कार्य किया जाएगा। इसके बाद शासन से जैसे जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होते रहेंगे हम उनके अनुरूप काम करेंगे। आप सब लोग वाली बात यह अवगत हैं कि प्रथम फेज में हम स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रहे हैं, सेकेंड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर को लगा रहे हैं, जिनके अंतर्गत नगर निगम के कर्मी होंगे, राजस्व के लोग होंगे, पुलिस होंगे। तीसरे फेज में 50 साल से ऊपर के सभी लोग होंगे और 50 साल के नीचे के वो लोग होंगे जिन्हें कोई ना कोई बीमारी। हमारी तैयारियां पूर्ण है, प्रथम चरण का वैक्सीन हमारे पास आ चुका है। एक अतिरिक्त वैक्सीन स्टोर कक्ष हमारा बनना था, वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। राज्य स्तर से हमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट, जैसे कि वैक्सीन कैरियर मान लीजिए और आईएलआर डीप फ्रीजर आवश्यक मात्रा में प्राप्त हो गए हैं और उन्हें पीएससीसीएस कोल्ड चेन पॉइंट पर और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में स्थापित किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है और शासन के निर्देशों के अनुसार जिस दिन तारीख निर्धारित हो जाएगी हम कार्य करना शुरू कर देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सफल होंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरोना वैक्सीन आ गई है जिसका टीकाकरण प्रारंभ 16 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, उसी के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। सर कितनी जगहों पर टीकाकरण होना? गोरखपुर में 6 जगहों को पर टीकाकरण होना है, 3 शहरी क्षेत्र हैं, 3 ग्रामीण क्षेत्र हैं। 3 शहरी क्षेत्रों में हमारा पहला जिला महिला चिकित्सालय है, दूसरा जिला पुलिस चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है और ग्रामीण क्षेत्र में 3 पीएससी चयन किया गया है, जिसमें एक कैंपियरगंज है, एक पिपराइच है और एक सहजनवा है। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? और सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, वैक्सीन आ चुकी है, हमारे सेंट्रल ड्रग वेयरहाउस में रखी गई है। इसका एक कल जो है सभी सेंटर पर भेज देंगे, वहाँ 3 रूम ठीक कर दिए गए हैं, एक वेटिंग रूम, एक इंजेक्शन रूम और एक ऑब्जर्वेशन रूम।
हमारी सारी टीमों को प्रशिक्षण दे दिया जा चुका है और वैक्सीनेशन 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। सर, वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके संबंध में क्या कहना? वैक्सीन बिल्कुल ही सुरक्षित है, कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट इसमें अभी तक नहीं देखा गया है। एडवर्स इफेक्ट में थोड़े बहुत माइल्ड जो है, बहुत हल्का सा बुखार हो सकता है, हल्का इंजेक्शन साइट पर जैसे आम इंजेक्शन से थोड़ा दर्द होता है उसी तरह का थोड़ा दर्द हो सकता है, बाकी ठीक है। फर्स्ट फेज में कितने लोगों को ये वैक्सीन लगेगी? फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ अभी इनरोल जो हुए हैं 27,000 स्वास्थ्य कर्मी इनरोल हुए, जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं। सर, ऐसे कौन से संक्रमण होने पर सामने वाले को ये टीका नहीं लगाया जाएगा? अभी प्रेग्नेंट वीमेंस को देने के लिए अभी रोका गया है कि अभी ना दिया जाए, और 18 साल के नीचे बच्चों को ना दिया जाए। जो कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है उनको भी नहीं लेने के लिए सलाह दी जा रही है। जो ब्लड थिनर लेते हैं जैसे एस्प्रिन वगैरह ब्लड थिनर होता है वो ले रहे हैं, उनको ही मना किया गया। या हाई बुखार है, ज़्यादा बुखार है उनको, किसी इन्फेक्शन से, पैर इन्फेक्शन से कोई ग्रसित है तो उनको भी सलाह दी गई है कि ना लें। इसलिए 16 तारीख से लगातार ये वैक्सीन सबका कार्य चलेगा या फिर उसके बाद समय इसके लिए? 16 तारीख से को लगने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आएगी किस तारीख से शुरू होगा रेगुलर वैक्सीनेशन, उसके बाद।